Hi guys, welcome to All New Vocabulary. Today is 10th January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. Pictures से आप लोगों को उस words को visualize करने में आसानी होगी and tricks से आपको उस words को correlate करके याद रखने में बहुत ही आसानी होगी and words आपको long term तक याद रहेगा. So guys, sit back, relax and watch this video till the end. To learn some more new words. So let's start it. First word is lethal. L-E-T-H-A-L. Lethal. Lethal means होता है ऐसा कुछ घातक object, ऐसा कुछ घातक वस्तु जिससे आपकी जान जा सकती है उसे बोलते हैं lethal. That means anything dangerous enough to cause death. मतलब ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है जिससे आपकी जान जा सकती है, जैसे गन्स हो गए, गन्स, नाइफ, तलवार, ऐसा कुछ रेडिएशंस है, होता है ना, हार्मफुल रेडिएशंस या पॉइजन, जैसे कोई इंसेक्ट्स है, कोई आपको इंसेक्ट्स काट लेता है, बाइट कर लेता है तो उससे भी हमारी जान जा सकती है, पॉइजनस स्पाइडर्स. तो जिससे ऐसा कुछ भी उससे हम जिससे हमारी जान जा सकती है किसी ऑब्जेक्ट से तो उसे बोलते हैं लीथल. ओके, जैसे ये देखो गन लिया, ओके ये गन का ट्रिगर दबेगा तो किसी की जान जाएगी या किसी को हार्म होगा तो उसे बोलते हैं लीथल. ओके, सो लीथल मीन्स sufficient to cause death or you can say very harmful or destructive. हिंदी में से हम बोलेंगे हम जानलेवा या घातक. अब देखो इसे याद कैसे रखें, तो इसे टू पार्ट में बांट लो, एल ली प्लस टी एच एल ओ थल. ओके, ली प्लस थल, इसको मैंने किया रिलेट लीड टू डेथ. ओके, एल ई से आया लीड, एल ई डी लीड, और टी एच ए एल से आ गया डेथ. ओके, तो यहाँ है ना टी एच, तो लीड टू डेथ, लीथल को कर दिया मैंने लीड टू डेथ, दैट मीन्स लीथल. Lead to death, that means lethal. Or for example, lethal weapons. जितने भी weapons है वो तो किसी को harm करने के लिए या destructive के लिए भी use होता है. So lethal weapons. Or next example, a lethal injection. जिस injection से हमारी जान जाती है, जैसे होता है कोई poisonous injections होती है जिससे हमारी जान जाती है, ओके, तो उसे बोलते हैं lethal injection. वैसे injection तो बहुत vaccines होते हैं उसके लिए भी use होते हैं, but यहाँ क्या है lethal injection, that means जिस इंजेक्शन से हमें कुछ हार्म हो या हमारी जान जा सकती है तो उसे बोलते हैं लीथल इंजेक्शंस. और नेक्स्ट वर्ड है अपीज, ए डबल पी ई ए एस सी. अपीज मतलब होता है टू मेक और प्रिजर्व पीस विद नेशंस, ग्रुप, पर्संस बाय गिविंग इनटू देयर डिमांड और टू रिलीव ए प्रॉब्लम. मतलब किसी पर्सन को ग्रुप को नेशन को शांत करना. ओके, ये वो साथ नहीं, कीप क्वाइट वाला साथ नहीं. ओके, शांत करना दैट मीन्स किसी पर्सन को, ग्रुप को कोई कोई प्रॉब्लम है या उसकी कोई डिमांड है तो उस डिमांड को फुलफिल करके मतलब उस पब्लिक को, ग्रुप को शांत करना, काम करना, उसे बोलते हैं अपीज. या उसे कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करना, उसके डिमांड को फुलफिल करना, उसके प्रॉब्लम को दूर करके उसे काम करना, शांत करना, उसे बोलते हैं अपीज. ओके, जैसे ये देखो पिक में ये जो दो ग्रुप फाइट कर रही है तो ये दोनों के बीच कुछ मतलब प्रॉब्लम होगा तभी ना फाइट हो रहा है. तो अगर ये दोनों को हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अगर इसे काम कर देते हैं, शांत करवा देते हैं तो इसे बोलते हैं अपीज. ओके, सो अपीज मीन्स काउज टू बी मोर फेवरेबल इंक्लाइंड गेन द गुडविल ऑफ, और यू कैन से टू काम और सेटिस्फाई ए पर्सन और डिजायर. मतलब कोई पर्सन का डिजायर उसको शांत कर देते हैं तो अपीज. और यू कैन से मेक पीस विथ, हिंदी में से बोलेंगे हम शांत करना, तुष्ट करना. ओके, अब याद कैसे रखें तो इसे टू पार्ट में लो, ए डब्ल्यू पी अप प्लस ई एस इज, अप प्लस इज. ओके, तो मैंने किया अप से किया अपील, अप से अपील प्लस पीस को कर दिया मैंने पीस. ओके, अपील फॉर पीस, मतलब सपोज करो कहीं कोई वार हो रहा है, वार क्या मतलब सपोज किसी दो ग्रुप में फाइट हो रहा है तो वहाँ के जो लीडर्स है या पॉलिटिकल लीडर्स या जो भी पर्सन है जो वहाँ मतलब कोई बड़े पर्सन है तो वो क्या क्या अपील फॉर पीस करेंगे, क्योंकि वहाँ जो वार हो रहा है या कुछ फाइट हो रहा है तो अपील फॉर पीस मतलब वो शांत रहने के लिए अपील करेंगे. सो क्या होगा अपीज, अपील फॉर पीस मतलब वो अपील के लिए गुजारिश करेंगे तो अपील फॉर पीस मतलब वो शांत रहने के लिए बोलेंगे, उनको काम करने के लिए कुछ बोलेंगे तो उसका मतलब होगा अपील फॉर पीस, दैट मीन्स अपीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल
अपीज द बेबी विथ ए पेसिफायर। पेसिफायर मीन्स क्या होता है, जो देखते हो बच्चों का आदत होता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका आदत होता है कुछ रबर या अपने अंगूठे वो चूसते रहते हैं। तो पेसिफायर क्या होता है, ए रबर और प्लास्टिक निप्पल और टीथिंग रिंग फॉर ए बेबी टू सक और चूंगे चूंगे। मतलब अगर वो बच्चे को आदत हो तो वो रोने लगते हैं, तो उनको शांत करना, काम करने के लिए वो पेसिफायर दिया जाता है जिससे वो चूसते रहे और वो शांत रहे। तो मतलब ये देखो ये बच्चे के लिए भी यूज़ होगा, किसी ग्रुप पर्सन या नेशन को भी शांत करने के लिए होता है, तो उसमें यूज़ होगा अपीज। ओके चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इग्रेजस, ई जी आर ई जी आई ओ यू एस। इग्रेजस मीन्स होता है रियली बैड और ऑफेंसिव, मतलब बहुत ही बुरा, मतलब रियली बैड और ऑफेंसिव। ओके मतलब जो बहुत ही बुरा, आउटस्टैंडिंग बैड हो, ओके शॉकिंगली हो, तो उसे बोलेंगे इग्रेजस। ओके जैसे सपोज करो एन इग्रेजस लायर, दैट मीन्स क्या हुआ, जैसे सपोज करो मैंने हाँ एक जोक में पढ़ा था, एक स्टूडेंट है क्लास 3-4 का स्टूडेंट है। ओके तो वो ना 2-3 दिन अपना हॉलीडे मतलब स्कूल से छुट्टी ले लिया था। अब वो एप्लीकेशन में क्या लिखता है, एप्लीकेशन में लिखता है ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी इसलिए मैं नहीं आया, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो वो क्या, वो जो झूठ बोल रहा है वो है इग्रेजियस लायर, मतलब वो बहुत ही बुरे, मतलब ऐसा भी कोई झूठ बोलता है। ओके तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंगली बैड, मतलब बहुत ही बुरा झूठ होगा, तो उसे बोलेंगे इग्रेजियस। और देखो और यू कैन से एन इग्रेजियस मिस्टेक, मतलब ऐसा मिस्टेक जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सके, ओके मतलब एक्सट्रीमली प्रॉब्लम हो सके, उसे बोलेंगे इग्रेजियस। जैसे सपोज करो आप अपने बाइक से या कार से कहीं जा रहे थे और गलती से एक एक्सीडेंट हो गया आपके हाथ हो और सामने वाले की मौत हो गई, तो आपकी जो गलती थी उससे किसी की मौत हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे, वो तो बहुत ही बुरा हुआ ना, रियली बैड हुआ, तो उसे बोलेंगे इग्रेजियस। ओके मतलब शॉकिंगली बैड हो ऐसा कुछ, तो उसे बोलेंगे इग्रेजियस। जैसे मैंने बताया इग्रेजियस लायर एंड इग्रेजियस मिस्टेक। सो इग्रेजियस मीन्स आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग, और यू कैन से एक्सट्रीमली कॉन्सिप्रेशनली, सॉरी क्या है कॉन्सिप्रे, आप उच्चारण कर लेना। ओके बैड एंड ऑफेंसिव, हिंदी में से बोलेंगे हम साधारण या भयंकर। ओके अब देखो इसे याद कैसे रखें। ओके जैसे इग्रेजियसली का मतलब मैंने क्या बताया, जो शॉकिंगली बैड हो। सपोज हम लोग कहीं स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सपोज हम लोग कोई स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं और सपोज हम लोग कोई ड्रामा या कोई सिंगिंग कंपटीशन कर रहे हैं और हम लोग जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा था, मतलब बहुत इतने बुरा था कि वहाँ हमें सड़े हुए अंडे और टमाटर फेंके जा रहे थे। ओके तो इतना बुरा था कि वो टमाटर और अंडे हम पे फेंके जा रहे थे, उसे क्या बोलेंगे इग्रेजियसली बोलेंगे ना। तो देखो मैंने उससे क्या रिलेट, एग रीचस, मतलब हमने इतना बुरा परफॉर्मेंस किया कि एग रीचस, मतलब हम पे अंडे फेंके जा रहे हैं। एग रीचस मीन्स एग्रीजियस। ओके एग रीचेस अस, दैट मीन्स एग्रीजियस। सो ड्यूरिंग वन ऑफ आवर स्टेज परफॉर्मेंस वी मेड सच ए ह्यूज मिस्टेक दैट पीपल स्टार्टेड थ्रोइंग एग्स एट अस एंड रोटेन एग्स रीचेस अस, साउंड लाइक एग्रीजियस। ओके एग रीचेस अस साउंड लाइक एग्रीजियस, हम लोग को स्टेज परफॉर्मेंस कहते हैं इतना बुरा मिस्टेक किया या ऐसा कुछ हमें परफॉर्मेंस के जिसमें हम लोग बस अंडे मिले, तालियां मिले ने अंडे मिले। ओके तो एग रीचेस अस दैट मीन्स एग्रीजियस, मतलब बहुत ही बुरा। ओके फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीजियस लायर एंड एग्रीजियस मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब तो आपको पता ही होगा, पोस्टमार्टम का मतलब होता है डेड बॉडी की एग्जामिनेशन करना, उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम। बट ऑटोस्पी में मतलब क्या होता है कि एग्जामिनेशन करके, मतलब जो एग्जामिनेशन होता है डेड बॉडी का, जो एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन करके डेथ का रीज़न बताना, मतलब वो क्यों मरा, कैसे मरा, किस बॉडी पार्ट में इंजरी लगने से मरा, तो उसे बोलते हैं ऑटोप्सी। मतलब परफेक्ट रीज़न बताना कि वो क्यों मरा, तो उसे बोलते हैं ऑटोस्पी। ओके एक्चुअली आप ऑटोस्पी और पोस्टमार्टम को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ओके एग्जामिनेशन मतलब पोस्टमार्टम में क्या हुआ, बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं, और ऑटोप्सी में मतलब क्या होता है डेथ, मतलब वो क्यों डेथ हुआ उसका परफेक्ट रीज़न बताते हैं, तो उसको मतलब होता है ऑटोस्पी। ओके जहाँ सेंस आएगी कि आपको डेथ का रीज़न बताना है तो वहाँ आप ये यूज़ करना ऑटोप्सी। वैसे आप दोनों कर लो यूज़ तो इंटरचेंजेबली कोई प्रॉब्लम उतना नहीं होगा, इतना टफ आते नहीं कि हमें इतने टफ वर्ड मिले। ओके
सो ऑटोप्सी मीन्स ए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ और द एक्सटेंट ऑफ डिजीज, और यू कैन से द कटिंग ओपन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ए डेथ बॉडी इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। हिंदी में से बोलेंगे हम सौ परीक्षण। अब देखो इसे याद कैसे रखें, ऑटोप्सी। इफ सम वन कम अंडर ऑटो एंड डाइड सडनली देन नीड एग्जामिनेशन। ओके, आप इसे को रिलेट ऑटो से, ओके, ऑटोप्सी, ऑटो, ऑटो रिक्शा पता है ना, ऑटो जहाँ हम इधर आने आने जाने के लिए यूज़ करते हैं ऑटो रिक्शा। तो आप इसे रिलेट ऑटो से, तो सपोज कोई ऑटो के नीचे आ गया, ओके, मतलब उसका एक्सीडेंट नहीं, ऐसा हुआ कि वो ऑटो के नीचे आ गया और एक्सीडेंट, वो सडनली मर गया, तो अब क्या होगा, अब वो उसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में ऑटो ऑटोस्पी होगा, मतलब डेथ का उसके रीजन बताया जाएगा कि उसको किस बॉडी पार्ट में कैसे चोट लगा जिससे उसकी डेथ हो गई, तो उसे बोलेंगे ऑटोप्सी। मतलब कोई ऑटो के नीचे आके मर गया तो उसे बोलेंगे ऑटोप्सी, मतलब जो एग्जामिनेशन होगा उसकी डेथ का पता लगाने के, उसे बोलेंगे ऑटोप्सी। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस आर वेटिंग फॉर द ऑटोस्पी रिपोर्ट, दैट मीन्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सब बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक एक्सेंट्रिक मीन्स होता है आउट ऑफ सेंटर, दैट मीन्स आउट ऑफ सेंटर, दैट मीन्स जो मतलब सेंटर से दूर हो, दैट मीन्स क्या है, वो ऑड है, अनयूजुअल है, उसे बोलते हैं एक्सेंट्रिक। मतलब जो सेंटर से दूर है, मतलब जो सेंटर से दूर है वो क्या है, अबनॉर्मल है, अनयूजुअल है, उसे बोलेंगे एक्सेंट्रिक। जैसे ये देखो पिक में, ये क्या है, ये अनयूजुअल है, क्योंकि देखो ये जो स्पेक्ट पहना है ये बस एक ही आंख में पहना है, तो इसे बोलेंगे अनयूजुअल है, मतलब ऑड है, तो उसे बोलते हैं एक्सेंट्रिक। मतलब सिंपल समझो, जो अनयूजुअल है, ऑड है, उसे बोलते हैं एक्सेंट्रिक, स्ट्रेंज है, उसे बोलेंगे एक्सेंट्रिक। सो एक्सेंट्रिक मीन्स ए पर्सन विथ ए अनयूजुअल और ऑड पर्सनैलिटी, और यू कैन से स्ट्रेंज और अनयूजुअल। हिंदी में बोलेंगे सम सनकी, पागल। अब देखो उसे याद कैसे रखें, एक्सेंट्रिक एक्सेंट्रिक, ये एक्चुअली दो रूट वर्ड है, ई सी प्लस सेंट्रिक। ओके, तो ई सी प्लस सेंट्रिक, ई सी एक्चुअली ये ना वेरिएंट है ई एक्स का, ई एक्स का मतलब तो पता होगा, ई एक्स एक्स गर्लफ्रेंड या समथिंग कुछ होता है ना, तो ई एक्स मतलब क्या होता है, आउट नॉट होता है ना, आउट या नॉट का मतलब क्या होता है, ई एक्स। ओके, तो ये उसी का वेरियंट है ई सी। ई सी एक्चुअली अगर ये कॉन्सोनेंट हो, जैसे ई एक्स के बाद अगर ई एक्स आएगा कब, जब यहाँ कुछ वॉयल हो, अगर कोई यहाँ वॉयल होता तो यहाँ ई एक्स आता, और यहाँ अगर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ई सी आएगा। मतलब ई एक्स और ई सी का मतलब दोनों सेम है, आउट या नॉट का मतलब सेंस आता है, लेकिन अगर यहाँ कुछ वॉयल होगा तो यहाँ, अगर कोई वॉयल हो मतलब ए आई ओ यू होगा तो यहाँ ई एक्स लगेगा, और अगर यहाँ कोई कॉन्सोनेंट होगा तो ई सी लगेगा। ओके, जैसे होता है ना एग्जामिनेशन, तो ई एक्स ए होता है। ओके, अब माइंड करना, ई एक्स ए होता है, और जो कि यहाँ एक्सेंट्रिक है तो ई सी, ई सी और सी आया, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट था इसीलिए। ओके, तो इसका मतलब होता है एक्स या ई सी का मतलब होता है आउट फ्रॉम या अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम सेंटर, दैट मीन्स अवे फ्रॉम सेंटर, सिंपल, अवे फ्रॉम सेंटर दैट मीन्स एक्सेंट्रिक। जो अवे फ्रॉम सेंटर होगा तो वो क्या है, अनयूजुअल होगा, ऑड होगा, स्ट्रेंज होगा, सो एक्सेंट्रिक। फॉर एग्जाम्पल एक्सेंट्रिक बिहेवियर, एक्सेंट्रिक क्लोथ, और अभी तो आप बोल सकते हो एक्सेंट्रिक स्टाइल, जितने भी स्टाइल होते हैं वो एक्सेंट्रिक ही रहते हैं। ओके, तो एक्सेंट्रिक स्टाइल। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्लगिस। स्लगिस स्लगिस मतलब होता है स्लो मूविंग। ओके, मतलब ऐसा कुछ भी जो एनिमल या पर्सन है जो वो स्लो मूव करता है या इनएक्टिव है, नॉट एक्टिव है, उसे हम बोलेंगे स्लगिस। ओके, ये स्लगिस वर्ड बहुत अदर टाइप में, अदर सेंस में यूज कर सकते हो। जैसे सपोज करो कोई कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर या फोन में जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर लोड होने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, मतलब वो सॉफ्टवेयर बहुत स्लो ओपन हो रहे हैं, तो उसे भी आप बोल सकते हो स्लगिस, मतलब सॉफ्टवेयर इज स्लगिस, मतलब वो सॉफ्टवेयर बहुत स्लो खुल रहा है, बहुत स्लो लोड हो रहा है, तो उसे भी आप बोल सकते हो स्लगिस। जैसे सपोज करो आप सुबह सुबह जब उठते हो तो आप बहुत थोड़ा इनएक्टिव रहते हो, आप जो काम करते हो मतलब फ्रेश होने के पहले आप थोड़ा इनएक्टिव रहते हो, स्लो कुछ काम करते हो, तो उसे भी आप बोल सकते हो स्लगिस, दैट मीन्स स्लगिस इन द मॉर्निंग। जब आप फ्रेश नहीं होते हो, फ्रेश होने के पहले आप थोड़ा इनएक्टिव रहते हो, स्लो कुछ भी मतलब काम करते हो, तो उसे बोलेंगे स्लगिस। ओके, जैसे जैसे सपोज कोई 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 मोटा पर्सन है, कोई फैटी पर्सन है, मोटा पर्सन है, तो वो क्या है,
वो बहुत धीरे धीरे चलता है, अपना काम को बहुत स्लोली करता है, बहुत इनएक्टिवली करता है, धीरे धीरे करता है, तो उससे भी हम बोल सकते हैं स्लगिश। ओके, मतलब जो अपना काम को बहुत स्लो करे, इनएक्टिवली करे, जिसमें एनर्जी लो बहुत कम हो, उसे बोलेंगे स्लगिश। ओके, तो स्लगिश मीन्स स्लो मूविंग और इनएक्टिव, और यू कैन से लैकिंग एनर्जी और अलर्टनेस। हिंदी में से बोलेंगे हम सुस्त, धीमा। अब देखो इसे याद कैसे रखें, तो स्लगिश, स्लोइस। ओके, होता है ना, बोलता है ना कोई किसी पर्सन को स्लोइस है, मतलब स्लो है तो स्लो ही है, तो उसे हम स्लो इस लगा देते। ओके, तो स्लगिश, स्लोइस। ओके, स्लगिश, स्लोइस। स्लो का मतलब क्या हुआ, स्लगिश है मतलब जो पर्सन स्लो कुछ काम करे, तो स्लो मीन्स स्लगिश। ओके, इसे तो ऐसे भी याद रखते हो, स्लो इश होता है ना गस का एक्सप्रेशन, इश। ओके, गस को तो याद भी हो गया। ओके, स्लोइस। ओके, स्लोइस, स्लगिश। ओके, फॉर एग्जाम्पल फीलिंग स्लगिश और लेथर्जिक आफ्टर ए बिग मील। लेथर्जिक का मैंने आपको मीनिंग बताया था, सारे डील किया है मैंने पहले, इसका मतलब क्या होता है, लेजी। ओके, लेथर्जिक से सिंपली मतलब समझो लेजी। ओके, सो फीलिंग स्लगिश एंड लेथर्जिक आफ्टर ए बिग मील, होता है ना हम जब लंच बहुत हैवी लंच ले लेते हैं तो हम बहुत स्लगिश फील करते हैं, लेजी फील करते हैं, क्योंकि पेट पूरा फुल हो जाता है तो थोड़ा नींद भी आने लगता है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्लगिश। सो फीलिंग स्लगिश एंड लेथर्जिक आफ्टर ए बिग मील। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्लगिश स्ट्रीम, स्लगिश ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ हो रहा है बहुत स्लोली हो रहा है, तो उसे बोलेंगे स्लगिश ग्रोथ। स्लगिश वर्कर, जो वर्कर है वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, बहुत इनएक्टिवली काम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, स्लगिश वर्कर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लोकावोर, LOCAVORE। लोकावोर मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो अपने आस, मतलब जो आसपास जितने फूड ग्रो हो रहे हैं या फूड प्रोड्यूसर है, बस वहीं का मतलब वो खा के बस जीवित रहता है, उसे बोलते हैं लोकावोर। आप इसे एग्जांपल समझो, सपोज करो आप कोई गांव में, ओके, और वो गांव शहर से 500 किलोमीटर दूर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जहाँ रह रहे हो उस गांव में जो भी उत्पादन होगा, मतलब जो भी कुछ प्रोड्यूस होगा, फल फूल या आसपास जो जंगल होंगे, आपको बस वही सब खा के आपको जीवित रहना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं लोकावोर। जो लोकली जो आपको कुछ प्रोड्यूस हो रहा है आप उसे बस खा के जीवित रह रहे हो, तो उसे बोलते हैं लोकावोर। ओके, जैसे जो आदिवासी होते हैं जो शहर से बहुत दूर रहते हैं आदिवासी, या आप उसे बोलते हो इंडिजिनियस पीपल, तो वो क्या है, वो जो अपने में खुद जो वो खेती करते हैं वही बस खाते हैं, और जो जंगल से वो फल फूल तोड़ के बस उसी को खा के वो जीवित रहते हैं, तो उसे बोलते हैं लोकावोर। मतलब जो लोकली जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बस उसी को खा के वो जीवित रहते हैं, उसे बोलते हैं लोकावोर। ओके, सो लोकावोर मीन्स ए पर्सन हु ओनली ईट फूड दैट इज ग्रो और प्रोड्यूस इन देयर लोकल एरिया, दैट मीन्स लोकली जितना मतलब उस लोकल एरिया है, मतलब सपोज करो 20 किलोमीटर्स का जो एरिया है उसी में वो रहते हैं, खाते हैं, और वही बस वहीं का आसपास का चीज वो खाते हैं, तो उसे बोलते हैं लोकावोर। अब देखो याद कैसे रखें, तो लोका प्लस बोर। ओके, ये एक्चुअली टू रूट वर्ड है, लोका प्लस बोर, तो लोका कर दिया मैं लोकल। ओके, लोका के ये रूट वर्ड होगा लोकल, लोकल मीन्स तो आपको पता ही होगा, लोकल मीन्स रिलेटिंग और रिस्ट्रिक्टेड टू ए पार्टिकुलर एरिया, और वोर मीन्स होता है वन दैट ईट्स, वोर मतलब होता है वन दैट ईट्स, दैट मीन स्पेशल, मतलब लोकावोर मतलब जो लोकली चीज जो खाते हैं, मतलब लोकली जो प्रोड्यूस होता है बस उसे खाते हैं, तो होगा लोकावोर। फॉर एग्जाम्पल दे ड्रू अप ए प्लान फॉर ईयर लिविंग एज लोकावोर, मतलब वो प्लान कर रहे हैं कि वो एक साल तक लोकावोर रहेंगे। ओके, सो लोकावोर मीन्स ईटिंग फूड दैट दे हैड आइदर ग्रो देमसेल्फ और हैड ग्रो बाय द सराउंडिंग एरिया। जैसे यहाँ देखो पिक में, जैसे आप कभी सब्जी लेने जाते हो तो होता है ना जो वो सब्जी सेल करते हैं, तो वो बोलते हैं ना ये 100 लोग, मतलब ये हमारे घर से है, मतलब ये बहुत लोकल है। ओके, मतलब बोलते हैं ना 100, क्योंकि जितने भी सब्जी होते हैं वो क्या होता है आजकल थोड़ा हैबिट देख के उसे बड़ा किया जाता है, उसको खूबसूरत दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि ये 100% लोकल है, दैट मीन्स हमने इसे अपने घर पर उगाया है, तो उसे हो गया 100% लोकल। ओके, ये सब्जी ये सब है। ओके, सो लोकावोर। सो गाइस, आज के लिए आपका क्वेश्चन है इम्परसोनेटिंग मीन्स क्या होता है, ये मैंने वर्ड डील किया। ओके, इम्परसोनेटिंग, फॉर एग्जांपल वोमेन हेल्प फॉर इम्परसोनेटिंग एग्जामिनी। और नेक्स्ट वर्ड है वो विक्टिम वाइफ्स, वो को मैंने किया था रिलेट वोमेन से, अब तो आपको याद भी हो गया होगा वो, तो आपको बताना वो का मतलब क्या होता है। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, लाइक ऑलवेज गिव दिस वीडियो थम्स अप
एंड प्लीज़ इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।